क्या बोलते हैं इसको, परिक्रमा, परिक्रमा करते थे हर रोज, हर रोज मतलब सॉरी परिक्रमा नहीं, क्या बोलते हैं इसको, राजा होने के नाते वो पूरे राज्य में घूमते थे कि कहीं कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा है। इसी संदर्भ में एक बार जब गए तब उन्होंने इससे इससे मिल मुलाकात हो गई अपने कली राजा से। तो परीक्षित महाराज एक ऐसे राजा थे जो अपने राज्य में भ्रमण करते हुए उनकी अंदर अंदर मतलब अंदर से बहुत इच्छा थी कि मेरे कोई भी अंदर कोई प्रजा दुखी ना हो। तो इसी तरह से एक बार वो जा रहे थे, तो जाने के बाद में उनको भूख प्यास की वजह से फिर वो शमी ऋषि के आश्रम में पहुंचे। शमी ऋषि ने या शमी ऋषि के आश्रम में पहुंचे, उन्होंने देखा कि शमी ऋषि आग बंद करके ही बैठे हुए हैं, और उन्होंने उनसे पानी मांगा। तो उनको लगा कि ये नाटक कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं। मतलब कभी क्या होता है ना, कभी ऐसा कभी कभी अगले वाले व्यक्ति हमको भक्ति के नाम पर, भक्ति का नाम यूज करके दूसरे दूसरे की सेवा ना करना, ऐसा 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 उनको लगा, परीक्षित महाराज को यहाँ पे लगा। हाँ, तो लेकिन ये जो जो कुछ भी चल रहा था, ये उनके मतलब उनके भौतिक स्वभाव के कारण नहीं था। हम सभी भक्तों में या सभी जीवों में दो चीज होती है, एक तो हमारा स्वभाव होता है, स्वभाव मतलब जो हम पूर्व जन्मों के साथ में, मतलब हम देखते हैं ना बच्चे, कुछ कुछ बचपन से बहुत शांत रहते हैं, कुछ कुछ बच्चन बचपन से बहुत चिड़चिड़ रहते हैं, तो वो जो हो गया उनका स्वभाव। स्वभाव मतलब जो हम अपने पूर्व जन्मों से कर्मों से हम प्राप्त करते आते हैं, उसको कहते हैं स्वभाव। उसके चलते हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, मतलब न चाहते हुए भी हमसे गलतियां हो जाती है हमारे, उसको कहते हैं स्वभाव, कंडीशनिंग बोलते हैं उसको। हमारे ऐसा हो ही जाता है, अपने हाथ में बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता, अपने से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज क्या हो गया, भूख उनको भूख प्यास लग गई थी, और उन्होंने जब ऋषि को देखा, ध्यान मग्न थे, और उन ऋषि मुनि को उन्होंने क्या कर दिया, उनके गले में सांप का हार पहना दिया। तो हुआ क्या, इधर सांप का हार पहनाने की वजह से एक तो चीज है कि गले का सांप पहना देते हो, और परीक्षित महाराज चले गए। अभी अगर यही चीज अगर हम अभक्तों से सुनते हैं, जो भक्त नहीं है, हमने एक सीरियल देखी थी शायद से कृष्णा या कोई तो सीरियल थी, उसमें क्या दिखाया गया, पहले दिखाया गया कि परीक्षित महाराज को कली के साथ भेंट हो गई, तो कली ने पूछा मुझे स्थान दीजिए, तो परीक्षित महाराज ने स्थान दिया कि आप सोने में जा सकते, सोना। तो अभी ये दूसरा प्रसंग हो गया। अभी आपने सभी ने भक्तों ने श्रीमद् भागवतम अभी तक पढ़ा है, यहाँ पे किधर एक बार भी उधर मेंशन है क्या कि क्योंकि परीक्षित महाराज ने जो मुकुट धारण किया था वो सोने का था, इसलिए परीक्षित महाराज भी कली के चंगुल में, कली के प्रभाव में आ गए, ऐसा कहा गया है, ऐसा किधर लिखा था अभी तक, कोई कोई बता सकता है? लेकिन लाइव नहीं आई। जो लेकिन अगर आप देखने जाएंगे हमारे पूरे भारत में, अगर किसी ने पूछा टीवी सीरियल जो बनाई गई, टीवी सीरियल में क्या दिखाया गया, जैसे ही कली को परीक्षित महाराज ने बोला ठीक है तुम सोने में रहो, तो कली जो है वो परीक्षित महाराज के मुकुट में आगे आगे विराजमान हुआ। और कैसा लॉजिकल लगता है देखिए, और परीक्षित महाराज आगे आगे बढ़ते गए, और उन्होंने फिर कली के प्रभाव के कारण शमी ऋषि का अपमान किया। तो इधर क्या हो रहा है, अगर हम सुनने के लिए लॉजिकल लग रहा है, हमारे बुद्धि को ये मान्य है, मतलब पटता है, मतलब हाँ बराबर है, ऐसे हो सकता है क्योंकि अभी अभी तो हुआ और दूसरे एपिसोड में उन्होंने गलती की, तो शायद से कली के प्रभाव से। लेकिन हमारे पूरे आचार्यगण बार बार इस विषय को दोहराते हैं कि ये जो परीक्षित महाराज ने गलती की, ये उनके कली कली उनके ऊपर हावी नहीं हो सकता कभी भी। शुद्ध भक्तों को काल प्रभाव नहीं कर सकता है, जैसे वो श्लोक है ना, तेदेव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ते साधवो समदृशं भगवत प्रपन्नम तानोपसिद्धत हरिर्गदया विगुप्तम नेशाम वयम न च वयः प्रभवामि दंडे। यमराज जी कहते हैं यमदूतों को कि शुद्ध भक्तों के शुद्ध भक्त जो है
वो भगवान के द्वारा, भगवान के हरया भी गुप्तम, गदया भी गुप्तम, गुप्ता मतलब प्रोटेक्शन, उनको संरक्षित है कौन? शुद्ध भक्त। उनको काल प्रभाव नहीं कर सकता, यमराज प्रभाव नहीं कर सकता, कोई नहीं प्रभाव कर सकता, तो कलयुग कैसे प्रभाव कर सकता है? तो शुद्ध ये परीक्षित महाराज आम भक्त नहीं थे, तो उनके ऊपर उन्होंने जो ये भी गलत कार्य किया है, वो गलत कार्य कली के प्रभाव से नहीं हुआ है, लेकिन आचार्यगण क्लियर कट यहाँ पे लिखे, आगे भी आगे श्लोक आएगा कि ये तो भगवान की योजना है। जिस तरह से भगवान को भगवत गीता कहने के लिए भगवान ने अर्जुन को रुलाया, अर्जुन अर्जुन इतने बुद्धिमान थे, अर्जुन इतने पंडित थे, लेकिन भगवान ने उनको मोह माया में डाला। हमको मोह माया में डालते हैं भगवान, और शुद्ध भक्तों को योग माया में डालते हैं। हम सभी जीव भगवान की माया शक्ति है, वो माया शक्ति के अंदर ही काम करते हैं। तो जो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो योग माया के अंदर काम करते हैं, और हम बद्ध जीव जो है महामाया के काम करते हैं। महामाया मतलब हम भी भूल जाते हैं कि भगवान कृष्ण, भगवान महान है, भगवान सर्व सर्वश्रेष्ठ है। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, जैसे वृंदावन में मदर माता यशोदा जो है वो सोचती है कि अगर वो दूध नहीं पिलाएंगी तो कृष्ण भूखे रहेंगे और उन उनकी शरीर नहीं बढ़ेगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब उनको वो हो जाएगा। उनको लगता है कि अगर कृष्ण को अगर दूध नहीं पिलाएंगे तो कैसा होगा। तो ये माता यशोदा का जो ज्ञान है वो पूर्ण है कि अधूरा है? अधूरा ज्ञान है, लेकिन अधूरा वो अधूरा, इसका मतलब वो माया शक्ति के अंदर प्रभाव में काम कर रही है, कौन? योग माता यशोदा। लेकिन और हम भी सोच रहे हैं कि हम मतलब हम जीव जीवात्मा, हम भी भगवान को सामान्य पुरुष सोच रहे हैं। हाँ, ज्यादातर इस दुनिया के लोग वो भी सोचते हैं कि कृष्ण को अगर खाने को नहीं मिलेगा कृष्ण मर जाएंगे, तो माता यशोदा भी वही सोच रही है, हम भी वही सोच रहे हैं। हम भी कृष्ण को, हम जो जीवात्मा, जो मतलब पूरे संसार के हम जो आम बद्ध जीवात्मा है, हम भी सोच रहे हैं कि भगवान कौन है? भगवान ये नहीं है, क्या नहीं है, भगवान भगवान नहीं है, मतलब कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो आम व्यक्ति है, थोड़े महान व्यक्ति है। उसी तरह से ब्रजवासी भी ऐसे ही सोच रहे हैं। तो अगर हम देखना जाए, हम भी वैसे ही सोच रहे हैं और ब्रजवासी शुद्ध भक्त भी वही सोच रहे हैं, तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है, हम महामाया के अंडर है, हम अंधकार के अंडर है के वश हम गलत सोच रहे हैं, और वो शुद्ध प्रेम जो कि योग माया के द्वारा ढके हुए हैं, जिससे कि उनका प्रेम का आदान प्रदान चलता रहे। अगर माता यशोदा को पता चल गया कि कृष्ण ही शुद्ध भक्त है, भगवान है, तो क्या माता यशोदा भगवान को इतना प्रेम करेगी, उतना क्या बोलते हैं उसको, इतना केयर बोलते, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, काळजी, देखभाल इतनी करेंगी? इतनी उनको चिंता नहीं रहेगी, अरे कृष्ण ने खाना नहीं किया, कृष्ण को क्या हो जाएगा? ये जब माता यशोदा हो रही है, उससे क्या हो रहा है, माता यशोदा का और कृष्ण के बीच में प्रेम बढ़ रहा है। तो अगर प्रेम बढ़ रहा है तो ये योग माया है, ये लीला शक्ति है भगवान की। अगर हम जब बद्ध जीव क्या कर रहे हैं, भगवान को मूर्ति समझ रहे हैं, भगवान को ऐसे ही समझ रहे हैं, तो वो महामाया है। उसी तरह से परीक्षित महाराज शम्मिक ऋषि के ऊपर हार डाला, नहीं हार नहीं, वो क्या बोलते हैं, सांप डालना, ये परीक्षित महाराज कली के प्रभाव से नहीं है, ये भगवान की डायरेक्ट लीला शक्ति का प्रभाव से हुआ है। परीक्षित महाराज इतने छोटे, इतने सस्त, मतलब इतने छोटे व्यक्ति ने, जीवात्मा नहीं है कि उसको कोई भी कली कली जैसा जो आदमी परीक्षित महाराज को स्पर्श कर पाए। शुद्ध भक्तों को कोई कली कली कोई स्पर्श नहीं कर सकता। शुद्ध भक्तों का शुद्ध भक्त मृत्यु भी उनकी भगवान के हाथों से होती है, भगवान ठहरते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण। तो यहाँ जो है 36वें श्लोक में जो है, तो इधर क्या हो गया, तो उन्होंने क्या किया है कि हम 36वें श्लोक में देखते हैं कि क्या देख रहे हैं हम, ये जो शम्मिक ऋषि का जो पुत्र था, कौन था ना, श्रृंगी, श्रृंगी ने क्या किया, गुस्से में आके उसने पानी उठाया और परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। तो ये क्यों हुआ? पहली चीज तो इसके ऊपर तो बहुत हमारे से मतलब सेमिनार है इसके ऊपर, कि जीवन में कुछ भी हो जाए इमिजिएटली हमने रिएक्ट नहीं करना चाहिए उसके ऊपर, भले हमको सब दिख रहा है, हम भले हमको सब कुछ समझ रहा है क्या चल रहा है, लेकिन इमिजिएटली हमने उसके ऊपर
कुछ बोलना नहीं चाहिए, कुछ प्रतिक्रिया नहीं रहा, रिएक्शन में प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, हमको पहला एक नियम पता चलना चाहिए कि हमको सब कुछ नहीं पता है। हमको इतना पता होना चाहिए कि मुझे सब कुछ नहीं पता है, क्योंकि हमारे बुद्धि के ऊपर आता है अहंकार, और अहंकार खुद ही माया शक्ति का एक तत्व है, पूरी तरह से माया शक्ति के प्रभाव में आता है। तो हमारी बुद्धि कैसे जान पाएगी कि मैं सच हूं कि गलत हूं? तो सबसे पहले गलत क्या हो गया श्रृंगी का, उसने बस इतना सुना कि उसके पिताजी को किसने तो हार पहनाया, बस इतना सुन लिया, और उसने कुछ तो आगे कर दिया। क्या कर दिया? परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया, आगे पीछे कुछ देखा नहीं, कुछ भी नहीं। आगे के तो हम श्लोक तो आपको पता रहेगा आगे क्या हो गया। ये मैं उससे ठीक है, तो इतना बहुत कुछ सीखने लायक है इस सबजेक्ट में। पहली चीज तो हमको सीखना चाहिए, अगर हम श्रृंगी के जगह पे है, हमने देखा कि कुछ गलत हो रहा है, तो इमिजिएटली हमने रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कितने बार तो ऐसे हो गया आप हमारे जीवन में, अगर हम देखेंगे कि हमको लगा कोई गलत कर रहा है, किसी ने हमको कुछ बोल दिया और हम गुस्से में और कुछ तो बोल प्रतिक्रिया दे दी, लेकिन 10 10 दिन के बाद हमको पता चला कि मैंने जो बोला कि इतना सीरियस भी नहीं बोलना चाहिए था, इतना भी हमने गंभीर विषय नहीं था जितना कि मैंने उसको इतना बड़ा चढ़ा के बोल दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने इमिजिएटली रिएक्ट नहीं करना है। वो कब होगा? जब हम सत्वगुण में रहेंगे। इमिजिएटली रिएक्ट कब करते हैं हम? जब रजोगुण में रहते हैं। रजोगुण के लिए हमको बार बार हमको ध्यान में रखना है, हमको तीखा नहीं खाना है। रजोगुण के लिए हम रजो और तमोगुण में, क्रोध तो तमोगुण में आता है, इमीडिएटली इसलिए पहने हुए कपड़े नहीं पहनने हैं, मतलब ऐसा नियमित रूप से नहाना है, बहुत ऐसा पसीने में नहीं रहना है, जैसा आलसपन ये वो सब। इससे क्या होता है, इमीडिएटली या तो हम रिएक्ट ही नहीं करते, नहीं तो बहुत गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमने रिएक्ट नहीं करना है। दूसरा चीज अगर हम देखी जाए, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको गलती कैसा करना है, इसके चार चीजें हैं। पहली चीज, ये हम लिख भी सकते हैं, उसको कहते हैं राइट वे ऑफ करेक्शन। फर्स्ट इज, क्या मेरा राइट मोटिव है, क्या मेरा उद्देश्य सही है? मैं जो उसको कोई गलत कर रहा है, समझो हमने देखा कि कोई तो गलत कर रहा है, तो पहले सोचना चाहिए कि क्या मैं उससे पहले से ही द्वेष करता हूँ, तो अभी मैं मुझे ऐसे ही गलती मिल गई तो मैं तो चांस ही देख रहा था कि देखो देखो तो ये गलती कर रहा है, अभी मैं उसको सही ठहराऊंगा। नहीं, पहले सोचना है कि क्या मेरी इच्छा है कि वो सुधरे, क्या मेरी उद्देश्य क्या है, क्या मुझे उसको नीचा दिखाना है? अगर मेरा उद्देश्य सही होना चाहिए, अगर मेरा उद्देश्य सही नहीं है तो मुझे चुपचाप बैठना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज, अगर मेरा उद्देश्य सही है तो दूसरा चीज पूछना चाहिए, क्या मैं सही व्यक्ति हूँ? मतलब अगर हाँ गलती हुई है, लेकिन मेरा उद्देश्य भी सही है कि उसकी गलती हुई उसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन क्या दंड के देने के लिए मैं अधिकारी व्यक्ति हूँ? अगर मैं नहीं हूं तो जो अधिकारी व्यक्ति है उसको बताना चाहिए कि प्रभु जी ऐसा ऐसा इसने गलत किया, कृपया इसका ध्यान दीजिए, इसके ऊपर कुछ तो एक्शन लीजिए। तो मेरा उद्देश्य सही है, मैं अगर अच्छा आदमी हूं भी, अगर अच्छा नहीं क्या बोलते उसको, मैं अगर सही अधिकारी व्यक्ति हूँ, अधिकृत व्यक्ति हूँ, फिर भी क्या ये सही समय है? सही समय मतलब क्या, अभी सही समय मतलब क्या है, सही परिस्थिति है क्या? मतलब अभी वो भी बहुत गुस्सा हो गया है, तभी इमिजिएटली अगर मैं बोल दूंगा तो उससे और ज्यादा झगड़ा बढ़ जाएगा। जब वो शांत रहेगा तब मुझे बताना चाहिए कि प्रभु जी आपका ये गलती हो गया। समय भी ये, और दूसरा महत्वपूर्ण है प्रिंसिपल है, वैष्णव प्रिंसिपल है कि हमें प्रशंसा सभी के सामने करनी चाहिए, और उसको जो बताना है कि गलती क्या है वो उसको एक अकेले में बताना चाहिए, अकेले में अलग करना चाहिए और उसको बताना चाहिए, लेकिन सबके सामने बोला ना ये गलत है वो है गलत है। कभी कभी हम बोल देते हैं कि अरे ये तो सब्जी में ये गलत नमक नहीं है, ये नहीं है, नहीं। तो मैं खुद खुद ही ऐसी गलती करता हूँ, तो मैं सबसे माफी, सबके पब्लिक में ये माफी मांगता हूँ, मेरे मेरी अर्धांगिनी भी सामने खड़ी है, हाँ, तो ये मैं खुद ही गलती करता हूँ, कि सबके सामने बोलना नहीं चाहिए कि ये सब्जी में इतना गलती है। कुछ भी रहेगा तो अलग से, तो कुछ भी अगर हमको गलती बतानी है तो अलग से अकेले में बतानी चाहिए। और दूसरी चीज, पहली चीज है मेरा उद्देश्य सही है, मैं अधिकृत व्यक्ति हूँ क्या? अगर व्यक्ति नहीं हूं तो दूसरे को बताना चाहिए, अधिकृत व्यक्ति को। अगर मैं अधिकृत व्यक्ति हूं भी, तीसरा देखना चाहिए क्या ये सही समय है, क्या मैं अभी बताना चाहिए, क्या वो आगे वाले व्यक्ति का बराबर से मूड है क्या। चौथी चीज, समय भी सही है लेकिन क्या मैं बताने का तरीका सही है,
अगर जो मैं बता रहा हूं उससे सही अगर तरीके नहीं बता रहा हूं तो भी उसको अपराध हो रहा है। क्यों हम इसका क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि भक्ति का 90% प्रगति, 90 बोलो 100, भक्ति दीपक स्वामी महाराज बोलते हैं, भक्ति में प्रगति करने का एक मार्क उपाय है कि हम भक्तों से कैसे बर्ताव करते हैं। अभी कोई बोल देगा ऐसे कैसे, भक्ति के प्रगति करने के लिए तो जप है, भक्ति की प्रगति के लिए श्रीमद भागवतम है। लेकिन अगर हम गलत तरीके से बर्ताव करेंगे अलग भक्तों के बीच में, अगर हमारे विषय अच्छे भावना नहीं है तो हमारे जप में रुचि नहीं रहेंगी, हमारे श्रीमद भागवतम में रुचि चली जाएगी। इसलिए भक्तों को बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको समझना चाहिए हमें भक्तों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी इसने क्या किया, महाराज महाराज ने क्या, मूर्ख श्रृंगी ने, हाँ किसने क्या डायरेक्ट श्राप दे दिया। हाँ तो दूसरा चीज है, जिसके पास ज्यादा शक्ति होती है उसके पास उसको ज्यादा ज्यादा बहुत कंट्रोल में रखना होता है। इसलिए हम देखते हैं ना, अभी जो भी हम काउंसलर बनने वाले, मतलब जो भक्तों को हम जो पद देने वाले हैं, ऐसे भक्तों को हम क्या करते हैं, ऐसे भक्तों को ज्यादा कंट्रोल, मतलब उनके लिए ज्यादा तीव्र भक्ति की जाती है। मतलब नहीं, भक्त सबके सामने जप करना पड़ेगा, सबके ये पढ़ना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा पद, जितने शक्ति आपको मिल रही है, जितने भक्त आपके ऊपर है नीचे है, उतने आपके एक एक चीजों के ऊपर बहुत फर्क गिरेगा। हम देखते हैं कभी कभी बड़े बड़े पद मिल जाता है, कभी कई भक्त क्या बोलते हैं उसके, बड़े टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाते हैं, बड़े अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन क्या होता है उनकी अगर साधना नहीं अच्छी होगी, जब अच्छा नहीं हो रहा है तो गलत, कभी कभी क्रोध आ जाता है, कुछ भी बोल देते हैं। प्रवचन दे रहे, अगर प्रवचन दे रहे, प्रवचन में बोलते बोलते कुछ भी बोल दिए, प्रवचन देना मतलब हमको अभी एक पद मिल गया, तो प्रवचन दे रहे मतलब हमको पद मिल गया, एक शक्ति मिल गई, तो उसके लिए हमको और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि हमको, क्योंकि अभी मेरे एक शब्द से बहुत लोगों को तकलीफ हो सकती है, बुरा लग सकता है, हो सकता है ज्यादा लोग अभी भगवान से दूर चले जाए। कभी कभी बोलते बोलते हम बोल दिए, कुछ भी बोल दिए, ऐसा भगवान के भगवान के जो कर्मी लोग हैं ऐसे बदमाश है, ऐसा कुछ तो बोल दिए ऐसा गलती से, तो ज्यादा लोग भगवान से दूर जा सकते। मतलब जितना ऊंचा पद, जितने जिम्मेदारी, उतना ही हमारे गलती का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैंने सुना, जितना भक्त ऊपर ऊपर जाता है उतना ही जब ऊपर से गिरता है ना तो बहुत ज्यादा लगता है। है ना, मतलब पहले माले से गिरेंगे तो हाथ पैर टूटेंगे, दूसरे माले से टूटेंगे तो पूरा को बहुत कुछ टूट जाएगा, तीसरे चौथे माले से टूटेंगे तो कुछ भी बचेगा नहीं। तो हम जितने ऊपर जा रहे हैं भक्ति में, उतना हम में से गलती हो गई तो उतना ये बहुत भक्तों को प्रभावशाली पड़ता है, इसलिए हमने बहुत महत्वपूर्ण देना चाहिए। तो दूसरा, अभी क्या हो गया, उसने श्राप दे दिया, श्राप देने के बाद में, लेकिन ये ब्राह्मण था इसलिए खुद ही उसको समझ गया कि मैंने गलती किया, ये तो एक अच्छी चीज है। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर गलती के बाद करने के बाद में अगर हृदय में हमको लगता है कि नहीं मैंने गलती की है, तो इसका मतलब है कि चलो हम थोड़ा बहुत तो अच्छी है। लेकिन अगर किसी ने अपराध किया, किसी ने पाप किया और लग रहा है कि नहीं नहीं मैंने सही किया, जब अपराध कर रहे हो, नहीं नहीं उसकी गलती, तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि भगवान हमसे बहुत नाराज है, कि परमात्मा रूप से हमको ये भी नहीं बता रहे कि मैंने कुछ तो गलत की। तो वो उसको बोलते हैं भगवान डिसगस्टेड हो गए, डिसगस्टेड मतलब जा इसको, ये तो फिर नालायक है, ऐसा छोड़ दिया भगवान ने। अगर भगवान हमको हमारे गलती की सजा दे रहे हैं, इसका मतलब परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में अगर बता रहे कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, हम तो थोड़ी शर्म आ रही, तो इसका मतलब चलो भगवान अभी तो हमारे साथ है। अगर हमको बेशर्म हो गए कि गलती कर रहे, अपराध कर रहे, भक्तों को कुछ ही भला बोल रहे हैं कुछ, इसका मतलब क्या है, भगवान ने भी हाथ ऊपर को छोड़ दिए और भगवान बोले तेरा सही समय जब आएगा तो तुझे इतना ऊपर से गिराएंगे कि तुझे इतना लगेगा तो बोल नहीं सकता। इसलिए हमने भगवान की थोड़ी थोड़ी, जब परमात्मा के रूप में हमको हृदय में बताते ना कि ये गलती हो गई वो गलती है, उसको हमने सीरियसली लेना चाहिए। हमको हमने वरिष्ठों के साथ, और हमने कुछ तो भक्ति में प्रगति करना चाहिए, और हमने माफी मांगना चाहिए। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण हम सभी भक्तों से माफी मांगते रहना चाहिए। हाँ वो रोने लगा, 38वां श्लोक 29, मैं जस्ट श्लोक श्लोक से जा रहा हूँ माता जी। देखिए, और अभी उनके पिताजी, पिताजी जैसे ही उठे उन्होंने देखा कि उनके आगे सांप है, सांप उन्होंने ऐसे ही फेंक दिया, उन्होंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, और उन्होंने सब सुना अपने बेटों से। तो देखिए
ये है असली ब्राह्मण, ये है असली भक्त शमिक ऋषि। उन्होंने सुनते सुनते क्रोधित नहीं हुआ क्या, उसको बोलते हाइपर हो जाते, उसको रजोगुण बोलते हैं। देखिए सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, मतलब तमोगुण मतलब क्या है, कुछ भी हुआ बोलते हैं ठीक है क्या हो रहा है, मतलब ज्यादा मतलब आलसीपन, मतलब ऐसा ये करना। रजोगुण मतलब बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होना, मतलब ऐसा क्या हो गया चलो करते हैं ऐसा कुछ तो करते हैं। और सत्वगुण मतलब समझ में आते अच्छा ये हुआ उसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, हम उसकी प्लानिंग करते बुद्धि से सोचते हैं कि उसको कैसे हल निकालना पड़ेगा। और तमोगुण मतलब निराश हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसा हुआ मेरे साथ, हाँ ऐसा दुखी हो जाते। लेकिन शमिक ऋषि सच में ब्राह्मण थे और भगवान के भक्त थे। तो उन्होंने क्या किया, जब सुना उन्होंने, पहली चीज भक्त क्या सोचता है, भक्त का पहला लक्षण होता है, पहले भक्त सोचता है कि जो भी अच्छा हो रहा है मैं उसके लायक न बिल्कुल ही नहीं हूं, और जो बुरा हो रहा है वो सोचता है मैं तो इससे कहीं ज्यादा लायकी कहो, भगवान ने तो मुझे बहुत कम दिया। इसलिए भगवान भक्तों का जो मूल मंत्र है, इसलिए इसको कहते हैं अगर भक्ति को प्रगट, प्रभुपाद जी का ये फेवरेट श्लोक था, कौन सा श्लोक था, अरे मैं कैसे भूल रहा हूँ आजकल, बहुत गलत है वो, गलत है भूलना, प्रभुपाद जी का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, ये श्लोक कहते हैं, श्लोक है हृदयं नमस्ते जीवे तयो मुक्ति सदा पदेश, कौन सा है किसी को याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक में कहा जाता है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा भक्त जो मुश्किल के जब उसके जीवन में दुख आए तो वो भगवान को कहते कि भगवान हे भगवान मैं अभी मेरे जो भी मुझे जीवन में मेरे जो दुख आ रहे हैं वो दुखों का दुख, वैसे तो मेरे मैंने जो इतने गलत कार्य किए हैं उसके हिसाब से तो मुझे बहुत दुख भोगना पड़ता था, लेकिन मुझे आज जो दुख मिल रहे हैं वो तो केवल टोकन है, मतलब अगर मुझे 100 दुख मिलने चाहिए तो आपने केवल 2-3 दुख दिए, हे भगवान कितने दयालु है आप। मुझे मेरा हाथ मेरा मैं तो पूर्ण मृत्यु होने जानी चली चाहिए थी, सिर्फ मेरा हाथ कट गया, हे भगवान कितने दयालु है आप कितने दयालु है भगवान, मुझे ऐसे ऐसा ऐसा कौन सा ठीक है। तो वो ये जब श्लोक ये पढ़ते, ऐसे भक्त जो जिसकी ये भावना होती है, ऐसे भक्तों को भगवत धाम की सीट रिजर्व किया जाती है। पदे मुक्ति पदे सदाए भाव, पदे सदाए भाग मतलब आचार्य कहते हैं कि ऐसे भक्तों के लिए जैसे मानो कोई बेटा है उसको पिताजी की प्रॉपर्टी मिलने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है क्या, कुछ नहीं करनी पड़ती है, अपने आप उसके नाम पर आ जाती है बस उसके। उसी तरह से जो भक्त भगवान को दुख के समय में भी बोलता है कि भगवान धन्यवाद मैं तो बहुत मेरी ऐसी थोड़ा गला मतलब थोड़ा मेरी ऐसी औकात है कि मैं इतना दुख भोगू लेकिन आप तो बड़े दयालु मुझे केवल इतना दुख दिया धन्यवाद भगवान। देखिए हम चेतना अगर सही कर देंगे तो दुख में भी हमको अच्छा लगेगा, चलो अगर किसी का 10,000 का लॉस हो गया तो बहुत गुस्सा आता है उसको कि मेरा 10,000 चला गया, लेकिन अगर उसका समझे कि अरे इसी रूम में बाकी सब लोगों का 2-2 लाख 2-2 लाख का चोरी हो गया, मेरा तो केवल सिर्फ 10,000 रुपये गया, तो कितना खुश हो जाता है, अगर चलो भाई मेरा तो सिर्फ 10,000 दिया बाकी लोगों का 2-2 लाख चोरी हो गया। तो हम इस भावना में रहेंगे कि मैं, और ये सच है हमारे कर्मों के अनुसार हमको दुख बहुत भोगना है, फिर भी हमको हमको कम दुख भगवान बहुत कम देते हैं दुख। तो इस भावना में शमी कृषि ने क्या क्या कहा कि अरे हमने परीक्षित महाराज को दुख ये नहीं देना चाहिए। अभी दूसरा सेक्शन आता है, अभी यहाँ कहाँ पे हो गया, शमी कृषि ने श्रृंगी से पूछा तो यहाँ पे लिखा है कि अगर हम किसी व्यक्ति को उसके अपराध से ज्यादा अगर दंडित करते हैं तो ये हमारे अंदर काम भावना की लक्षण है, जितना हम कामी रहते काम भावना हमारे रहती है उतना हम आगे वाले व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा दंडित करते हैं। ये शायद कहाँ से मतलब जो प्रवचन मुझे जो प्रवचन सुन रहा था उनके पटक से मैंने लिख दिया था, लेकिन वो उन्होंने प्रभुपाद जी के कोट से शायद से लिया था, मैंने लाल पेन से लिखा है उधर, तो ये भी है। तो इन्होंने क्या किया जो गलती थी उससे कई ज्यादा उनको ये कर दी। तो अभी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इधर शमिक ऋषि बता रहे हैं उनको कि देखिए
कोई व्यक्ति ने गलती करने के बाद सबसे घिनो मतलब गलत चीज है कि हम भूल जाते कि उसने आज तक क्या क्या सही किया था, अच्छा क्या किया था। ये कलयुग का बहुत बुराई है, क्योंकि कलयुग का क्या है, प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलोस्मिन युगा युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यात उपतिता। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है मंद सुमंद मतयो, इसका मतलब क्या है, हम जो कुछ भी है ना भूल जाते, जल्दी भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं कि भक्तों ने हमारे लिए क्या क्या किया था। लेकिन वही भक्त अगर थोड़ी सी भी गलती कर देना, हम जीवन भर याद रखते हैं इस भक्त ने मेरे साथ ये गलती किया था। लेकिन भक्त मतलब कौन है, हमको थोड़ी सी भी भक्त ने अगर मैंने मदद की ना, तो हम उनके जीवन भर ऋणी हो जाते हैं। इस संसार में हम देखते हैं कोई 5,000 अगर किसी की है ना बेटी की शादी है, और उस अगर पिताजी को किसने 1 लाख रुपए दिया, तो जीवन भर याद रखता है, नहीं मेरे बेटे की शादी के समय उसने 1 लाख रुपए दिया, हाँ जीवन भर याद लगता है। लेकिन आजकल तो वो भी याद नहीं रखते किसने। तो जब प्रभु श्री राम क्या हो गया, प्रभु श्री राम ने सुग्रीव जी की मदद की, बालिका मृत्यु बाली को हरा के उनको सुग्रीव को राज्य दिया था। लेकिन सुग्रीव ने क्या किया, राज्य मिलने के बाद बहुत आनंद भोग रहे थे, तो इधर लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आ गया कि 4 महीने हो गए लेकिन सुग्रीव कोई प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए नहीं आ रहे। तो गुस्से गुस्से में अयोध्या ये किष्किंधा पहुंचे, और उन्होंने एक ही सवाल पूछा, सुग्रीव लक्ष्मण जी है या हनुमान जी ने, एक प्रश्न पूछा। दोनों ने सुग्रीव को एक क्वेश्चन पूछा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है, क्या पाप है बताइए, तो कोई बता सकता है इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है, कोई बता सकता है इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है। वही ईर्ष्या प्रभु जी, मन अपना ईर्ष्या या ईर्ष्या भगवान। नहीं, ईर्ष्या तो ये है, क्या बोलते हैं उसको, ईर्ष्या तो हमारा अनर्थ हो गया, हमें बोला क्या ऐसी गलती है, क्या पाप है जो बहुत सबसे बड़ी पाप है, वो रामायण में आता है, राम लक्ष्मण जी कहते हैं। जो बहुत हाँ मतलब आपके साथ कोई भलाई किया है आप उसे भूल जाते हैं। कृतज्ञता, कृतज्ञ मतलब ध्यान में रखना, कृतज्ञ जो हमारे को अच्छा कुछ किया है उसको ध्यान में रखना कृतज्ञ, और कृतज्ञ मतलब जो हमारे साथ अच्छा किया वो भूल जाना। अभी इसी के प्रिंसिपल लेके आके बाकी के सब पाप है। जैसे अगर माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है तो वो पाप है, क्यों, क्योंकि माता पिता ने जो किया है उसको सब वो भूल चुका है, उनको सब भूल चुका है, और वो उनकी, तो किसी ने भी हमको थोड़ा सा भी अच्छी कुछ किया है उसको याद रखना चाहिए। अगर भौतिक स्तर पे ये है तो सोचिए आध्यात्मिक स्तर पर क्या होना चाहिए। आध्यात्मिक स्तर पर हमको सभी को याद करना चाहिए बार बार, जिन भक्तों ने हमको फोन नंबर दिया कि चलो इधर भक्त है उनको याद करना चाहिए, जिन भक्तों ने हमको किसी भी तरह से भक्ति में मदद किया उनको कभी भी भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनको हमारे आदरणीय बनना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है कि जिन्होंने हमको भक्ति में प्रगति में मदद की, कभी कभी ऐसा होता है कि वही आज भक्ति में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमको उनका सम्मान करना चाहिए, हमको बार बार याद दिलाना चाहिए कि अरे नहीं उन्होंने मुझे भक्ति में लाया था। तो क्या करना चाहिए, हमने उनकी आदर देना चाहिए लेकिन उनसे श्रवण नहीं करना चाहिए, उनके साथ समय नहीं बिताना चाहिए, श्रवण नहीं करना, लेकिन हमने उन भगवान के पास उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। मुझे याद है मेरा एक दोस्त था, उसका बर्थडे था, उसको पार्टी नहीं देनी थी, उसकी बर्थडे की पार्टी मतलब बर्थडे की पार्टी देनी थी लेकिन सस्ते में निपटाना था। तो उसी समय में भक्त आ गए, इस्कॉन के भक्त, वो बोले कि चलो प्रोग्राम में जाते हैं उधर प्रसाद भी मिलेगा। तो मेरे दोस्त ने जिसका बर्थडे था उसने हमको प्रेरित किया चलो इस्कॉन के प्रोग्राम में जाते, क्यों, जिससे कि उधर जाके हमारा पेट भरेगा और हम उससे पार्टी मांगने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1-2 आइसक्रीम वगैरह मांगेंगे। तो भला उसका भौतिक ये था लेकिन उसने हमको भगवान के पास लेके गए। तो मैं कल परसों उसको बहुत मतलब ये सब याद आ रहा था मेरे को कि किन किन लोगों ने मुझे भक्ति में मदद किया है। तो हमको सभी की याद आना चाहिए किन किन लोगों ने हमको, वे हमारे प्रथम प्रदर्शक गुरु हो गए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी विषय है। तो इधर गलत गलत क्या हो गया, श्रृंगी ये भूल गया कि परीक्षित महाराज ने आज तक उस समाज में, उस ब्राह्मण उस समाज के और उस राज्य के लोगों के लिए क्या किया है, लेकिन
बस इतनी सी गलती उसने उठा ली, बस उसमें गलती निकाल दी, ऐसा बहुत हो जाए। और स्पेशली अगर नेता अगर धार्मिक हो, अभी हम देखते हैं ना, ये भी अच्छा एक इसी विषय में अगर हम प्रपोर्ट पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी भी यही लिखते हैं, हमारे साथ भी अपनी अपनी अभी देश में हम देखते रहे ना, क्या हो गया, अभी इलेक्शन हो गए, इलेक्शन में सब लोगों ने क्या किया, एक धार्मिक नेता आया था, कौन, मोदी जी आए थे, उन्होंने राम मंदिर उभारा थोड़ा, आज तक तो सब बदमाश ही थे। तो कोई तो थोड़ा बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन कुछ तो गलती हो गई रहेंगी, जो मुझे भी नहीं पता जो कुछ भी, लेकिन उन्होंने लोगों ने वही काला धब्बा देखा और उसके नाम पे क्या कर दिया, उन्होंने उनको हरा दिया, मतलब हरा दिया मतलब अच्छी तरह से तो उनको नहीं दिया, नुकसान किनको है, आम व्यक्ति को ही है। अभी श्रृंगे ने क्या कर दिया, श्रृंगे ने क्या कर दिया, परीक्षित महाराज को मृत्यु की शिक्षा ठोक दी, लेकिन अभी शिमी कृष्ण वही बता रहे हैं कि अगर परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई तो उनको कुछ नहीं, नुकसान हम सभी भक्तों को ही होगा, नहीं क्या, यही बता रहे हैं कि बाकी चोर आ जाएंगे, चोर इचक्के, हाँ इनकी संख्या बढ़ जाती, तो यही सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको ये देखना है कि हमारे सामाजिक जीवन में या हमारे इस्कॉन में ही लेके चलिए, हमारे संस्था में भी हर भक्त अच्छा, देखिए कलयुग में अच्छा और बुरा के बीच में भेद नहीं हो सकता, कलयुग में भेद होता है ज्यादा बुरा कौन है और कम बुरा कौन है, सब तो बुरे ही है क्योंकि हम खुद बुरे हैं, हम भी अगर कोई अध्यक्ष कोई बड़े बन गए हैं तो हम भी कुछ 100% सही काम काम नहीं करने वाले, तो इसलिए हमको समाज में देखना है कि अच्छे और बुरे के बीच में हम निर्णय नहीं है इस संसार में, इस संसार में ये बुरा है मतलब कम बुरा कौन है उसको हमने चुनना है, ये राजनीति में है चलिए या भक्तों के विषय में भी, हम देखते हैं कभी कभी मंदिर में भी कोई अध्यक्ष होता है कोई ये होता है, तो सभी लोगों से गलती है तो हो ही जाती है, लेकिन हमने वो सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति ने अच्छे क्या क्या किया है, क्योंकि जब हम बड़े पद पे हो जाते हैं तब इतना बहुत सारी चीजें हाथों में रहती है, हम हमारा पर अपना घर नहीं संभाल सकते हैं, तो अपना हम घर घर संभालते संभालते कितना गलती हो जाती है, कभी कभी ऐसा देखते हैं मिसेस मतलब पत्नी आदमी को बताती है, पति को बताती है ये लाना वो लाना वो लाना, लेकिन पति आते आते आधा ही चीज लेके आ जाता है, देखिए हम अपना घर सही से नहीं चला सकते हैं तो मंदिर क्या चलाएंगे, तो हम बड़ी बड़ी संस्था क्या चलाएंगे, तो हमको ये समझना चाहिए कि भक्तों से भी गलती हो सकती है, लेकिन अगर गलती हो रही है तो इसको इसकी जानकारी हमारे वरिष्ठों को देनी चाहिए, तो वरिष्ठों को समझ में आता है क्योंकि उन्होंने दुनिया देखा है कि ये गलती है, लेकिन उनको पता है कि सब जगह पे कौन क्या क्या गलती कर रहे हैं, उनको पता है कि कौन से स्तर पे कहाँ कहाँ तक की गलतियां हो सकती हैं, इसलिए हमको जो है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे, मतलब बहुत बार ये बहुत बार ऐसा हुआ है, सभी जगह पे हुआ है, कितने जगह पे हमारे मतलब अभी क्या बताओ, बहुत सारे ऐसी जगह पे हो रहे हैं, स्पेशली जो गांव जो के जो सेंटर होते हैं, इस जगह की ये हर हमेशा की कहानी है, मैंने देखा है कि पूना के कई बड़े बड़े भक्त को भेजा जाता था बड़े बड़े ऐसे कोई ऐसे गाँव में उन उधर चलाने के लिए, और भक्तों से थोड़ी भी गलती होगी तो पूरा का पूरे भक्त समुदाय उनके विरुद्ध हो जाते थे, क्यों, क्योंकि वो ये नहीं भूल रहे, ये नहीं देख रहे कि वो भक्त ने बेचारे ने बाकी सब क्या किया, वो भी यही देख रहे कि इसने ये गलती की बस, तो हमारी यही गलती हो जाती है कि हम भक्त जो है हम भूल जाते हैं क्या क्या किसने क्या क्या अच्छा किया, अगर गलती हो रही तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये नहीं गलती हो रही तो वो गलती चलाते रहे, नहीं उसको भी सुधारना चाहिए, सुधारना चाहिए उसको, हो सकता है कि उस पद से उठाना चाहिए हटाना चाहिए, हो सकता है कि उसको दंड देना चाहिए, लेकिन वो उसके अधिकृत व्यक्ति को नहीं, ऊपर वाले अधिकृत व्यक्ति जो है उनको पूरा सविस्तर समझाना समझाना चाहिए, अगर फिर भी जो हो रहा है उसका लेकिन हमारे हृदय में उस व्यक्ति के प्रति सम्मान रहना चाहिए, हमको समझना चाहिए अरे माया इतनी प्रबल है कि मेरा खुद के ऊपर मन और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, मैं ही गलती करता हूं तो मैं क्यों अपेक्षा करूं दूसरे से सब कुछ सही हो, कोई कोई बोल सकता है कि माया का प्रभाव उस पे नहीं है, हम सभी के ऊपर है, तो इसलिए हमने ये बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण।
तो आज के सत्र में अगर हमने देखा, पहली चीज तो गलती क्या हो गई, पहली चीज तो हमने देखा कि परीक्षित, एक एक हमने हम समरी निकालता हूं मैं, क्या देखा कि पहली चीज तो परीक्षित महाराज जो गलती कर गए वो उनके स्वभाव के कारण नहीं था, भौतिक प्रकृति के प्रभाव में नहीं था, महामाया के नहीं था, वो योग माया के अंडर थे। मतलब भगवान की इच्छा थी कि परीक्षित महाराज गलती करे। दूसरी चीज, श्रृंगी ने श्राप दिया तो किसी को किसी भी चीज के लिए इमीडिएट प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, फटाक से कुछ तो हमने अपने कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए कि हाँ तो हमें पता है ये तो ऐसा ही है, तो ऐसा ही कह, ये तो बदमाश है, ऐसा वैसा बोलना नहीं चाहिए। तीसरी चीज, जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमने रजोगुण में नहीं, सत्वगुण में रहना चाहिए, और उसके ऊपर पहले तो सोचना चाहिए कि क्या 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 परिस्थिति क्या है, पहले सब सुनना चाहिए सभी तरह से। चौथी चीज, शम्मिक ऋषि ने खुद को उस, जब हम हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे साथ ऐसा कैसा गलत हुआ, और दूसरे को दोषी नहीं समझना चाहिए, हमने सोचना चाहिए कि मैं तो ये पात्र हूँ कि मुझे तो जीवन में बहुत सारे दुख देना चाहिए, मैं तो, मेरी ये पात्रता है कि मुझे और ज्यादा दुख मिलना चाहिए, लेकिन भगवान तो बड़े दयालु है, मुझे सिर्फ इतना ही दुख भोगना पड़ा। उदाहरण के लिए हमने बात किया कि अगर किसी रूम में सब 10-15 लोग हैं, सबका चोरी हो गया, मेरा 10,000 चोरी हो गया लेकिन बाकी सब लोगों का 2-2 लाख चोरी हो गया, तो मैं तो खुश हूंगा ना अंदर से, चलो भाई मेरा तो केवल 10,000 ही चोरी हो गया। तो अगर हम सोचेंगे कि मेरी पात्रता है कि मुझे और ज्यादा दुख मिले, हाँ, और ये सच है, हमने कई करोड़ जन्म से हमारा कर्मों का कितना पाप भरा हुआ है, भगवान तो बहुत दयालु है, कुछ नहीं पाप निकालते हैं। लेकिन अगर हम बार बार सोचते रहेंगे मेरे साथ ऐसा हुआ, तो हमको, हमने ये सोचना चाहिए कि मैं इस पात्रता हूं, बहुत ज्यादा पात्र हूँ। दूसरा, हमने सोचा कि सबने, हमने सुना है कि हमने ये जाना कि गलत करने के बाद अंदर हृदय में गलत मैंने किया है ये भावना आनी चाहिए, ये भावना आ रही है मतलब परमात्मा अभी भी हमसे प्रसन्न है, गलत मैंने किया है, इसकी जो शर्म, मतलब गिल्ट बोलते हैं ना, गिल्ट, पता नहीं मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, गिल्ट मतलब मुझे गिल्टी फीलिंग हो रहा है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आत्मज्ञान की ग्लानि, ग्लानि, आत्मग्लानि। ग्लानि, 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 ये राइट, ग्लानि। तो अगर आत्मग्लानि हो रही है, इसका मतलब चलो कुछ सुधरने का तो मौका है। अगर कभी कभी होता है कि व्यक्ति जैसे देखते हैं ना, मतलब ठीक है कोई गलती कर रहा है लेकिन अंदर से कुछ भी गलती का एहसास नहीं हो रहा है, इसका मतलब भगवान हमसे, हमसे मतलब डिसगस्टेड, मतलब क्या हो गया, हमसे ये हो गया, मतलब चलो जानो दो, इससे ये कुछ सुधरने वाला है नहीं, हमको छोड़ देते, सुधरने का ही छोड़ देते। डिसगस्टेड मतलब, कोई किसी को पता है क्या डिसगस्टेड, डिसगस्ट, डिसगस्ट मतलब समझ गया, मतलब अरे हट हाँ जाना छोड़ो, तो, मतलब जाने दो। हाँ जी, छोड़ो जाने तो कुछ काम का नहीं, मतलब इसका दो। सुधर, जब कोई, हम किसी को बताते कब है, जब वो सुधरने का प्रयास करता है, ठीक है। और आगे हम जाते हैं कि परीक्षित महाराज बता रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जितना ऊंचा पद उतना हमने बहुत गंभीरता से पालन करना चाहिए कि हमसे कोई गलती नहीं हो, नहीं तो हमसे क्या हो जाएगा, हम, हमारी गलती का प्रभाव ज्यादा तरीके से पड़ता है। अगर हम निचले फ्लोर में हैं तो अगर बिल्डिंग, अगर 2 माले की बिल्डिंग है तो गिरेगी तो आजू बाजू को तकलीफ देगी, लेकिन अगर 100 माले की बिल्डिंग है तो ज्यादा ज्यादा लोगों को प्रभावित करेंगे। उसी के साथ हमने देखा कि अगर कोई नेता है, पद पे है, कोई जिम्मेदारी है, तो उसको हमने, उसकी हमने गलतियां नहीं देखनी चाहिए, गलतियां नहीं देखनी चाहिए, अगर गलतियां करते हैं तो उसको हमने उसके भी वरिष्ठों को बताना चाहिए, लेकिन मन में हमने उसके प्रति आदर भाव रहना चाहिए, हमने कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, हमने बार बार सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति ने हमारे लिए नहीं, शायद से हमारे लिए कुछ नहीं किया रहेगा, लेकिन प्रभुपाद के मिशन के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या क्या किया, ये सब सोचना चाहिए कि नहीं, इस व्यक्ति ने, और हम देखते हैं, हम छोटा अपना जब भी करने रहेंगे, कुछ भी करेंगे, सब सब त्याग करना पड़ता है। तो अगर भक्तों ने प्रचार किया, कुछ भी कर रहा है, अगर कोई नेता बन गया है, कुछ ने अध्यक्ष पद लिया है, अगर भौतिक भौतिक जगत में, और संस्था अपने कुछ मंदिर का, अगर संस्था में कुछ बन गया है वो, अगर इसका मतलब कितने दिन उसने ये सेवा की, वो सेवा की, कुछ कितना तो तपस्या की रहेगी, अपने आप से तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं होगा, निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा की, उसके हमने क्या करना है, सराहना की,
और हमने अपेक्षित पकड़ना चाहिए कि हम सभी भक्तों से गलतियां हो जाती है, सभी भक्तों से गलती हो रही, लेकिन जिस भक्तों से अगर गंभीर गलतियां हो गई, जैसी मनोभाव की गलती है, अगर कोई गलती मतलब कुछ स्त्री पुरुष के बीच में अगर इसने कुछ गड़बड़ कर दिया, किसी पैसे में किसी ने घोटाला कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति पैसे में अगर ये थोड़ा सीरियस ज्यादा घोटाला हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के विषय में अपने वरिष्ठों को बताना चाहिए। अगर वरिष्ठों ने फिर उसके ऊपर छानबीन कर ली, तो फिर हमने उसमें अगर चरित्र की बात आ गई है, जैसे कि चरित्र की बात मतलब कोई अगर चार नियम नहीं पालन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, तो हमने उनसे श्रवण नहीं करना चाहिए, श्रवण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दो दो मिनट भी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मन दूषित करेंगे, हमारा हमको असत्संग मिलेगा और हम दूसरे वैष्णव के प्रति अपराध करेंगे। वैष्णव अपराध का मूल कारण है असत्संग, और असत्संग मतलब क्या है, असत मतलब जो भक्ति में दृढ़ नहीं है उनका संग करना, ऐसा। हरे कृष्ण, अभी किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं माता। हरे कृष्ण। अगर चाहे तो हम इधर ही बंद मतलब बंद कर सकते हैं। बहुत दिनों से आप छुट्टी में थे, हम नहीं क्या सभी आज। ये जैसे हम अपने भक्तों के संग में करें तो इसको हम भौतिक जगत में भी ऐसा सोच रहे हैं। भौतिक जगत में भी सोचना चाहिए एक्चुअली, भौतिक जगत में भी कुछ भी थोड़ा व्यक्ति ऐसे ने कुछ अच्छा किया है उसको भी हमने याद करना चाहिए और उसकी गलती को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसके गलती से प्रभावित हमने नहीं होना चाहिए। अगर वो जो जो प्रभाव कर रहा है उसको हमने सुधारने के लिए उसके ऊपर मतलब जो उस व्यक्ति के को नियंत्रण में है वो करना चाहिए, लेकिन उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण। अगर कोई गलती करता है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसकी गलती को कौन सुधार सकता है उस व्यक्ति को हमने बताना चाहिए। लेकिन क्या होता है, किसी गलती करता है वो तो उसकी गलती के विषय में हम सबको बताते हैं, जो वैसे भी उसकी गलती को सुधार नहीं सकते, हमको उसी व्यक्ति को बताना चाहिए जो उसकी गलती को सुधार सकता है। अगर गलती को सुधार नहीं सकते फिर भी हम बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारा उद्देश्य सही नहीं है, हमको उसको सुधारना नहीं है, हमको बस उसको नीचा दिखाना है, ऐसा भी हो सकता है। हरे कृष्ण। ठीक है, देखो। अभी मैं आ रहा था इस मतलब जस मैं शेयर करना चाहता हूं, अभी मैं आ रहा था तो किसी गाड़ी ने एक भैंस को ठोक दिया, और भैंस ये थी क्या थी, प्रेग्नेंट थी, वो नीचे गिर गई, मतलब अभी मरी मतलब मर मर ही रही है, रास्ते पे गिरी थी, आखली लेकिन जिंदा थी वो ऐसी सांस ले रही थी, वो दिख रही थी आके, भली गर्मी में पूरे वो कंक्रीट का रास्ता था, अब इतना गर्म है, तो मैं मुझे मुझे देख के भी ऐसा तो लगा, पहली चीज तो वो गर्भवती है, दूसरी चीज अभी मरने वाली है, इतना उसने उसको किधर तो लगा रहेगा उसको, उसकी कुछ तो हड्डियां टूट गई, उसको उसको फटाक से गिर गई वो जमीन के ऊपर, और ऊपर से नीचे रास्ते में इतना गर्मी है, ऊपर से भी गर्मी है। मतलब ये भौतिक जीवन है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमको हम एक ही सबको कर सकते हैं, हमको सभी को भगवत धाम लेके जाना है, इससे अच्छा हम किसी के लिए और संसार में कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करूं मतलब, अगर मतलब क्या कर सकते हैं हम, मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा था कि कितना उसको हम भक्त जो है वो पर दुख दुखी मतलब दूसरे को दुख में अंदर घुस के सोचता है कि उसको कितना दुख हो रहा है, लेकिन उसका उसकी प्रतिक्रिया भौतिक नहीं होती है, उसकी प्रतिक्रिया आध्यात्मिक होती है, मतलब उसको समझ में आता है कि उसका सॉल्यूशन यही है कि उसको भगवत दाम, क्योंकि ये संसारी दुखालय मशाश्वतम है, अगर आज उस वो जो, जो क्या बोलते हैं उसको भैंस को अगर आज ठेस नहीं, अगर दूसरा कुछ तो तकलीफ हो जाता था, ऐसा है संसार है, कितना वो भैंस को देख के ऐसा वो रो रही थी, उसकी आंखों से पानी आ रहा था, सोचिए कितना ये है। हमको तो बहुत प्रभु जी के हम लोग अभी संस्था में है तो थोड़ा थोड़ा तो ये गुण थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा चढ़ी को आता है। तो भौतिक लोग मतलब हमारा कभी कभी उपहास भी उनको अगर हम यही दया करके छोड़ देते हैं कि जाने दो तो
ऐसा लग जाता है कि ये लोग हमको नासमझ समझ रहे हैं क्या, क्योंकि वो अच्छा अध्ययन अच्छा करते रहते हैं, उनको हम ये सब चीज बताएंगे तो वो इसका उल्टा अर्थ लेते हैं, तो इसीलिए मैं उन्होंने पूछा कि मतलब उनको हम कैसे अच्छा बताएं। देख अच्छा देखिए जो नहीं देखिए जो उपहास करते ना उपहास, हाँ भक्तों को चार नियम पालन करने, श्रीमद् भागवतम में आता है और प्रभुपाद जी बार बार उसको दोहराते हैं। मध्यम भक्त कौन है? क्या है? ईश्वरे तद अधुनेशु बालिशेषु द्विषत सुचु सुषु प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा स करोति स मध्यमा। मतलब एक तो होता है कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी मतलब हम सब जो भक्तों को बनना है, क्या है? भगवान के साथ प्रेम करना है, भगवान के भक्तों के साथ मैत्री करना चाहिए, और जो बालिश मतलब जो भक्त लोग भक्त बन सकते हैं उनको भक्ति का प्रचार करना चाहिए, कृपा होनी चाहिए, और जो लोग भक्ति की उपेक्षा करते हैं मतलब उपहास करते हैं, मतलब जो आपको मालूम है कि भक्त बनने ही नहीं वाला है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये चार हमारे लिए बताए गए, मतलब अगर ये जो करता है वो भक्त मतलब प्रगति के लक्षण में है, अगर हम जो उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए, जो उनको इतना प्रचार के बारे में नहीं बताना चाहिए, बट अगर उनसे अगर कोई गलती हो रही है तो अगर थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए कि अगर उनसे गलती हो गया तो उसको कैसे दंड देना चाहिए, कैसा थोड़ा हर चीज का हल है, लेकिन हमने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है। ऐसा नहीं कि हम सब हम दबकते हैं, मतलब सब सब कोई भी आके ऐसा टपली मार के चले जाए और हम चुपचाप बैठे, नहीं, हाँ सभी चीजों का हमको कुछ ना कुछ तो उसको प्रतिक्रिया देनी है कि नहीं? अगर जब प्रभुपाद जी को जब वो दिल्ली में जुहू में एक व्यक्ति लूट रहा था, प्रभुपाद जी ने उसको छोड़ा नहीं, प्रभुपाद जी लड़े एक सैनिक की तरह, शेर की तरह लड़े प्रभुपाद जी, उसके प्रति बहुत प्रभुपाद जी ने कोर्ट केसेस किए, ये किया वो किया, प्रभुपाद जी छोड़े नहीं है, चलो हम तो भक्त है। नहीं, चैतन्य महाप्रभु भी जब अगर कोई गलत कर रहा है वो छोड़े नहीं प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु जगाई माधव को थोड़ी बोलेगा चलो अरे ठीक है हरे कृष्णा बोलो, आपने नित्यानंद प्रभु को मारा हम तो भक्त लोग हैं आप आके सब कोई भी मार सकते हैं, नहीं, लेकिन हमने सोच समझ के थोड़ा सोच के काम करना है, क्योंकि क्या हो जाते हैं कभी गुस्से गुस्से में हम कुछ कर लेते हैं लेकिन ज्यादा नुकसान हमको ही होता है। रजोगुण में की हुई सभी चीजों का फल जो है दुख ही होता है, दुख मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब सब कुछ तो होता है लेकिन फायदा कुछ भी नहीं होता है रजोगुण में किया हुआ, सत्वगुण में जो कुछ भी करेंगे उसका फायदा होता है। ठीक है माता जी, ठीक और ये भी हमने सुना था ना, हमने क्या किसी भी अगर हमारी गलती सुधारना है, गलती अगर हमने देख ली तो चार चीज देखना है हमने, क्या हम मेरा उद्देश्य सही है, क्या मैं अधिकृत व्यक्ति हूँ, क्या ये सही समय और परिस्थिति है, क्या मुझे क्या सही समय जगह है, जगह और समय, और क्या मेरा तरीका सही है, बताने का सही तरीका सही है क्या। अगर वही चीज हमने बताया गलत तरीके से, मतलब पर वो आपको बहुत खुद को बहुत शाना समझते हैं इसलिए आपने गलती किया तो उसको गुस्सा आ जाएगा, इसलिए कभी राधे हम लोग दिखाते थे अगर किसी को भी कुछ गलती बताना है तो उसको पीएनपी करना है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, समझो किसी भक्त ने किसी भक्त ने समझिए दो तीन का नुकसान किया, मतलब ऐसा सेंटर में उसने कुछ तो खिचड़ी जला दी, नहीं क्या खिचड़ी जला दी समझिए, तो उसको हम क्या बताएंगे कि माता जी आप देखिए गए 10-15 संडे पीस से आप ही बहुत सेवा कर रही है, बहुत कुकिंग कर रही है, आपने न जाने क्या क्या नहीं किया, आपने इतना आपकी जब भी खिचड़ी खाते हैं बहुत सुंदर लगती है, तो ये हो गया उनकी प्रशंसा करना पॉजिटिव, बीच में निगेटिव डालना है, लेकिन क्या हो गया माता जी आज की जो खिचड़ी है ना थोड़ी जल गई, और क्या है जलने की वजह से थोड़ा थोड़ा नुकसान हो गया है, तो उनको तो पता चल अभी और लास्ट में फिर से पॉजिटिव, लेकिन ठीक है जो भी हुआ लेकिन आज तक तो आपने बहुत सही बनाया और मुझे तो गारंटी है कि आगे भी आप बहुत अच्छी अच्छी खिचड़ी बनाएंगे, बस आज की थोड़ी खिचड़ी जल गई थी, लेकिन आप में जो भी खिचड़ी आज तक बनाई है वो खिचड़ी का मतलब खिचड़ी बहुत टेस्टी बन गई। तो देखिए आपको बताना था किसी व्यक्ति को कि आपके हाथों से बनाई हुई खिचड़ी जल गई,
लेकिन आपने ऐसे ऐसे बताया कि उनका हृदय भी नहीं टूटा और काम भी हो गया, है कि नहीं? इसको कहते हैं कि हम मानते हैं कि भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं और भगवान के प्रतिनिधि भक्त है। हम नहीं तो सोचते हैं कि अगर गलती की है तो उसको उसको ठेस पहुंचाना चाहिए, उसको थोड़ा सबक सीखना चाहिए। हमको ऐसा लगेगा इसका मतलब हम भूल गए उस भक्त का कनेक्शन भगवान के साथ। हम ये भूल चुके हैं कि भक्त छोटा मोटा भी भक्त रहेगा, भगवान के लिए जितना भी हम उसने ये करता है, क्या करता है वो, समर्पण करता है। अरे 16 माला करने के लिए भगवान के लिए क्या नहीं समर्पण करना पड़ता है, कितना समय देना पड़ता है। चाय छोड़ना मतलब छोटी चीज है, हर जगह पे जाओ 10 लोग बोलते हैं आप चाय नहीं पी रहे, क्यों नहीं पी रहे, क्यों नहीं पी रहे, क्यों नहीं पी रहे, मतलब पूरे दुनिया के साथ झगड़ रहा है वो भक्त अपना। तो उसको हमने कितना प्रेम करना चाहिए, बस थोड़ी सी गलती के लिए हम इतना डांट देते हैं कि नहीं? हमने सभी भक्तों से बहुत प्रेम करना चाहिए। यही यही अगर हम बस भक्तों से प्रेम करेंगे ना, तो हमको भगवत प्राप्ति करने के लिए मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी ज्यादा। हमारा जप अच्छा हो जाएगा, भागवत में अपने आप रुचि होंगे। हमको इतना मेहनत करने की कोशिश खुशी नहीं, मतलब कुछ भी करने की कोशिश नहीं। किसी अमीर आदमी से अगर पैसा मांगना हो ना, बस एक काम कीजिए, उसके छोटा जो लड़का है ना दोस्त, उससे दोस्ती कर लीजिए। अगर आप अमीर बाप के लड़के के दोस्त हो गए तो बस आपको जितना पैसा मिल जाएगा, हमको क्या चिंता है कि नहीं? हम क्या करते हैं, अमीर बाप के पीछे ही भागते हैं। हमको बाप के पीछे नहीं भागना है, हमको भगवान के पीछे भागना नहीं है। हमको किन के पीछे भागना है, उनके बेटे प्रभुपाद। प्रभुपाद सुन, मैं अभी लेक्चर सुन रहा था, श्रीमद भागवतम के लेक्चर है वो। मैं बहुत अच्छे प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम्हारे, मतलब प्रभुपाद अमेरिका में लेक्चर है, प्रभुपाद बोल रहे थे तुम्हारे अमेरिका में बोलते हैं ना, लव मी लव माई डॉग, मतलब अगर मुझे प्रेम करो तो मेरे कुत्ते को भी, कुत्ते से भी प्रेम करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप भगवान से प्रेम कर रहे हो तो उनके भक्तों से भी प्रेम करना ही पड़ेगा। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे, लव मी लव माई डॉग। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि जय कृष्ण की जय। हरे जय कृष्ण। सॉरी माता जी, हम 5 मिनट मैंने लेट कर दिया। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरे प्रभु माता जी कृष्ण, को प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, हरे बोल प्रभु हरे जी, हरे बोल प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम आप सभी हरे माता जी कृष्ण को। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।